हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। आप लोगों ने ये गाना तो जरूर सुना होगा, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। चलिए आज इसका उत्तर ढूंढा जाए, क्यों है परेशान? क्योंकि सब लोग ये प्रश्न लेकर घूम रहे हैं, कोई इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता है। अगर इसका उत्तर जाना जाए तब तो परेशानियां कम हो ना। अच्छा आप बताइए, हम अपनी फिजिकल हेल्थ के क्या कैसे करते हैं? व्हेनेवर वी आर यू नो हैविंग माइल्ड फीवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ अस, थोड़ा सा भी बुखार हुआ तो हम लोग फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और एल्स वी स्टार्ट ट्रीटमेंट एट होम ओनली। चलो पैरासीटामोल खा लेते हैं, बॉडी पेन ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, और फिजिकल हेल्थ को हम खराब करने से रोकते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर उसी बुखार को छोड़ दिया जाए कि अच्छा बुखार है, सर्दी है, सर्दी तो 3 दिन लेती है, चलो चलने दो, ना हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, ना हम कोई दवाई खाते हैं, तो क्या होता है, वो भयानक रूप भी ले लेता है। कभी कभी निमोनिया हो जाता है, कभी जॉन्डिस हो जाता है, और पैसे बचाने के चक्कर में हम लोग अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। इमोशनल हेल्थ का भी वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि आप परेशान हैं, आपको स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि बेसिकली यू नो फिजिकल हेल्थ जो है, अगर आपकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो इट विल बी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर फिजिकल हेल्थ। तो हम लोग क्या होता है कि अच्छा सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, तो इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो ये छोटी मोटी परेशानियां होती हैं जो इन छोटी बातों को, सिर दर्द, नींद ना आना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, इनको जन्म देती है। तो अगर हम इन छोटी सी परेशानियों को, इफ वी स्टार्ट नोटिसिंग दीज प्रॉब्लम्स एट द इनिशियल स्टेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स, we can you know prevent our physical health to get affected। to agar aapko lagta hai ki aap pareshan hain, chidchida rahe hain, usme kya hota hai ki aap apne ghar ke members ke sath, when you start interacting with your family members, sometimes you are rude, you are harsh, and most vulnerable are the children of the house। उन पे बहुत इजीली गुस्सा निकाल दिया जाता है। एंड यू नो व्हेन यू सी दैट यू कैन नोटिस योर स्ट्रेस रिफ्लेक्टिंग ऑन द पर्सनालिटी ऑफ योर चाइल्ड, समटाइम्स यू नो पेरेंट्स आर दे आर अप्रोचिंग मी लाइक दे आर सेइंग दैट वी कैन नोटिस बिहेवियरल चेंजेस इन अवर चाइल्ड। पर क्या वो कभी ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि वो चेंजेस कब आना शुरू हुआ, कैसे आना शुरू हुआ, क्या हुआ एक्चुअली कि मेरे बच्चे में ये चेंजेस आना शुरू हुआ? तो अगर हम अपने में ही उसको चेक कर लें और बात कर लें किसी से, सी अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू नो मैनेजिंग इमोशंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, डू सम मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस, talk to someone, talk to yourself, you will be definitely getting relief by doing these small things. Inculcate these small habits in your routine. अपने पसंद का कुछ activity daily कीजिए, गाना सुनिए, dance करिए, walk कीजिए, whatever you like you can do. But if you fail to you know manage your emotions or your emotional health, you definitely you should consult a counselor. That means now you need someone to talk to, because then it will start reflecting on the members of your family and children. They are also you know very depressed, they may start following you know wrong path, galat direction mein chale jate hain, padhai mein mann nahi lagta hai, bahar galat company mein unko acha lagne lagta hai, wo log sochte hain ki yaar ghar mein to khushi hai nahi, तो वो उस खुशी को बाहर ढूंढने लगते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हम नोटिस करना शुरू कर दें
आज से तो हम अपने परिवार में पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू कैन डू ऑन योर ओन गुड एक्सीलेंट, बट इफ यू आर अनेबल टू यू नो तो आप कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए किसी से, बुक एन अपॉइंटमेंट. आई कैन ऑल्सो हेल्प यू, बुक एन अपॉइंटमेंट विद मी, विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.